विश्व प्रसिद्ध देवास टेकरी पर अव्यवस्थाओं का अंबार देवीलोक की डगर में एक बड़ा रोड़ा हो सकता है। हालांकि महाकाल लोक की तर्ज पर बनने वाला देवीलोक भी भविष्य में इन अव्यवस्थाओं का शिकार नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि विकास के नाम पर यहां अब तक कुछ नहीं हुआ है। देवास में तुलजा भवानी माता टेकरी पर देवीलोक बनाने की कवायद शहर के नेताओं द्वारा समय समय पर की जाती रहती है, लेकिन यह नवीन विकास तो छोड़िए, पुराने विकास के काम को सहज और संजो के रखना प्रशासन के लिए नाक की फांस बन चुका है। प्रशासन के अधिकारियों की उदासीनता के चलते टेकरी पर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ जान का खतरा भी बना हुआ है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि माँ चामुंडा के मंदिर के पास स्थित गुरु गोरखनाथ की धुनी की छत जर्जर हो चुकी है और इस छत की पपड़ी आए दिन गिरती रहती है, जिससे श्रद्धालुओं के घायल होने का अंदेशा बना रहता है। अब देखना होगा कि अधिकारी आखिर इस अव्यवस्था पर कब प्राथमिकता से ध्यान देते हैं। अभी हम चामुंडा देवी मंदिर में आए हैं और जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम बिल्कुल लापरवाही से रखा गया है। लोगों में डर बना रहता है कभी कुछ गिर जाएगा। वहाँ देखिए आप, सरिये वरिये सब निकल रहे हैं बाहर। मरम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब प्रशासन से यही निवेदन है कि जल्दी जल्दी ठीक किया जाए, क्योंकि सावन का टाइम भी आने वाला है और नवरात्रि भी आने ही वाली हैं, तो जल्दी सही हो जाए तो अच्छी बात है। गंदी कचरा पड़ा हुआ, जाली वाली सब कचरा चढ़ा हुआ, नीचे बदबू मार रहा, पानी भरा हुआ। शायद 1997 में गौरी सिंह के समय डली थी और त्रेहान बाबूजी ने उसको बनाई थी, पूरी चू रही छत की बात करता है। आदि अनादि काल से जब से माँ भगवती है, जब से ये कुंड है और यहाँ पर पहले पिया जाता था पानी। जब 1987 के 77 के दशक में नल आया, उसके पहले भी पानी पिया जाता था यहाँ का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।